और गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ऑटो और कार की जबरदस्त टक्कर ने ऑटो में बैठे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें राहगीरों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनंद फानंद में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनमें 2 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल महिलाओं को गाजियाबाद के हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ऑटो हापुड़ से अपने परिवार के साथ में रिश्तेदारी से वापस मसूरी थाना क्षेत्र के कल्लूगड़ी में आ रहा था। इसी बीच आगे चल रही एक गाड़ी ने अचानक से ब्रेक मार दिए, जिससे ऑटो के ब्रेक फेल हो गए और ऑटो जाकर सीधा गाड़ी के पीछे टकरा गया, जिसमें 2 बुजुर्ग महिलाओं बनलाए गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें गाजियाबाद रेफर कर दिया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। ये एक्सीडेंट हुआ जी होली क्रॉस के ऊपर, फिरावर के ऊपर हुआ जी। किंगे से आ रहे थे और कहां? हापुड़ की साइड से आ रहे थे जी, डांसने जा रहे थे। उसके बाद में कार वाले ने पीछे टक्कर मारी तो उनके सबके चोट है जी, 7 जनों का। किस जगह पे मारी थी टक्कर? होली क्रेश के ऊपर हॉस्पिटल। अच्छा, के सामने कितने लोग थे? 6 जने थे, चालक समेत 7 थे जी। जिसके सबके चोट आई है? सबके यही जी चोट। अब कहां है? चोट ज्यादा जी, उसमें देवी हॉस्पिटल पे भर्ती। देवी हॉस्पिटल पे जी। तो पुलिस नहीं बुलाई थी तुमने? पुलिस तो नहीं जी, हमसे बाद में पता चला, बाद में आए। ये 2 बजे 2:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ पे एक एक्सीडेंट केस आया है, जो बताया गया है कि मसूरी थाने के आसपास होली चाइल्ड हॉस्पिटल है, उसके ऊपर फ्लाईओवर पे कहीं एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ऑटो चालक था तो ऑटो पूरा पलट गया, जिससे 6 ड्राइवर से ही 6 लोग यहाँ पर आए हैं, है ना। किसी गाड़ी ने यहाँ पर टक्कर मारी, ये बताया गया। तो चोट अलग अलग जगह, सबको अलग अलग जगह है।